जब 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में 1.5 के आसपास जीडीपी में हेल्थ केयर में जाता है सिर्फ 1.5, तो ऐसे इंसिडेंट्स होना लाजमी है। 7.5 डॉक्टर्स होना पर 1000 पेशेंट्स पे, तो ये सिचुएशन होना लाजमी है। आज हम पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कोलकाता में एक 31 ईयर ओल्ड डॉक्टर के साथ ब्रूटल रेप होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट मर्डर होता है, वो भी तब जब वो 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट कर रही होती है और 2 बजे रात के 2 बजे आराम करने के लिए जा रही होती है। प्रॉब्लम ये था, एक ऑन कॉल रूम नहीं था, कोलकाता के बड़े हॉस्पिटल की बात हो रही है, एक ऑन कॉल रूम नहीं था और उस विक्टिम को जाना पड़ा एक सेमिनार हॉल में। वो सेमिनार हॉल सभी के लिए एक्सेसिबल था और इनफैक्ट एक सिविल सर्वेंट के लिए भी एक्सेसिबल था, एक सिविल सर्वेंट जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, जो तब तक पता नहीं चलता जब तक उस डॉक्टर का रेप और मर्डर नहीं हो जाता। ये बहुत सारे बड़े बड़े सवाल है और ऐसे बड़े सवाल सिर्फ मैं नहीं, देश के सारे डॉक्टर्स आज उठा रहे हैं। और इनफैक्ट कोलकाता में फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ जरूर कर दी है जेपी नड्डा से मिलने के बाद, लेकिन छत्तीसगढ़ भी उस स्ट्रिंग ऑफ स्टेट्स को ज्वाइन करता है जहां पे रेसिडेंट डॉक्टर्स आज एक दिन के प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। कल ये प्रोटेस्ट सिम्बॉलिक था, उन्होंने अपने हाथ में ब्लैक रिबन बांधा हुआ था, लेकिन आज ये प्रोटेस्ट बिल्कुल उनकी आवाज हम दिल्ली तक, जेपी नड्डा के कानों तक, सिस्टम के कानों तक पहुंचाने के लिए यहां पर आए हैं हम। आप देख सकते हैं किस तरह के प्लैकार्ड उन्होंने पकड़े हैं। एक प्लैकार्ड मुझे यहां पर काफी टचिंग और इंटरेस्टिंग लगा। हमारी संस्कृति की बात होती है और कहा जाता है जब रेप होता है तो मोमबत्तियां उठाना हमें किसने सिखा दिया, लेकिन जब महाभारत और लंका दहन भी एक स्त्री के इंसल्ट के बाद हुआ था तो फिर ये उसी देश की बात कर रहे हैं हम जहां पे दुर्गा को वर्शिप किया जाता है। और हम ऐसे कई डिबेट्स कर चुके हैं, इस पे पॉलिटिक्स भी हो रही है और इस पॉलिटिक्स पर हम बात ही नहीं करेंगे, हम बस सिस्टम पे सवाल उठाएंगे कि कब तक 1.5% जीडीपी हेल्थ केयर पे जाता रहेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान भी बेटर है हमसे, 10 डॉक्टर है वहां 1000 पेशेंट्स पे, लेकिन हमारे पास सिर्फ 7.5, ऐसा क्यों? ये सवाल आज ये डॉक्टर्स भी पूछेंगे। और इनफैक्ट यहाँ पर कई सारे फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम लार्जर पिक्चर पे फोकस रखेंगे और लार्जर पिक्चर यही है कि विमेन सेफ्टी, हॉस्पिटल के अंदर किसी का रेप होता है, वो भी डॉक्टर का रेप होता है, वो उसका वर्क प्लेस होता है और इनफैक्ट जो कल्प्रिट है वो अरेस्ट नहीं होता, लड़की के यानी कि विक्टिम के पेरेंट्स को डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। ये सारी बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है। ऑपोजिशन कह रहा है ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए, ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि जेपी नड्डा को वापस पॉलिसी मेकिंग पर ध्यान लगाकर ये जो एट लार्ज जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन आज हम सुनेंगे इन डॉक्टर्स की प्रॉब्लम क्या है। ये सपोर्ट में, सॉलिडारिटी में आज उतरे हैं, लेकिन लार्जर पिक्चर पे फोकस रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी, ये आपने जो एक पोस्टर पकड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? कोलकाता में हॉस्पिटल के अंदर रेप होता है, हॉस्पिटल वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस भी सेफ नहीं है, वैसे तो पूरे देश में लड़कियां कहीं सेफ नहीं है, लेकिन आपके वर्क प्लेस, आपका घर माना जाता है, एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहां पे तो सेफ होंगी, वहां पे भी सेफ नहीं है, क्या कहेंगी? देखिए, ये देश कल हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली इसके कुछ दिन पहले ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है, इससे बड़ी निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती है। और हमारे देश में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, महारानी लक्ष्मी बाई को आइडल के तौर पर देखा जाता है और ऐसे देश में ऐसी घटना होना, एक डॉक्टर जिसे इतना नोबल प्रोफेशन माना जाता है उनके साथ हम देखते हैं इतनी घटनाएं हो रही है, मारपीट की हमें आए दिन सुनने को आती है और हॉस्पिटल में घुस करके रेप और मर्डर कर देना, इतनी ऐसी घटना हम सोच भी नहीं सकते। इसका मेन रीजन कहाँ है? हमें इसकी सॉल्यूशन जानने के लिए मेन रीजन तक पहुंचना चाहिए, वहां पे वो चीजें क्यों नहीं थी, वहां पे जो सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, डॉक्टर ड्यूटी रूम्स जो सेपरेट होने चाहिए मेल फीमेल्स के लिए रेस्ट करने के लिए, वो क्यों नहीं थे? ये फैसिलिटीज जो बहुत बेसिक है, हमारी बहुत बेसिक नीड्स के लिए, जो हमें मांगनी भी नहीं चाहिए थी, उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है आज, हमारी बहुत बेसिक सी डिमांड्स हैं। दूसरी हमारी डिमांड्स ये है कि विद इन 24 आवर्स अगर किसी डॉक्टर के साथ असॉल्ट होता है, ऐसा कुछ भी ब्रूटल होता है, तो विद इन 24 आवर्स उसके खिलाफ, क्रिमिनल के खिलाफ कार्यवाही हो, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, विद इन 48 आवर्स नॉन बेलेबल वारंट के तहत उसे जेल भेजा जाए, ये हमारी बेसिक डिमांड्स है। और दूसरी तरफ एक और बात कहना चाहूंगी, एक महिला के तौर पर, ना कि एक डॉक्टर के तौर पर, देश भर की महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि उस महिला के जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने कह दिया कि वो वहाँ पे सेमिनार रूम में रात को क्या कर रही थी, और उनको, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बदले उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। शुरू में इस केस को सुसाइड के का नाम देने की कोशिश की गई,
कुछ सीमेन सैंपल से, ऐसा न्यूज सुनने में आ रहा है कि कुछ सीमेन सैंपल से जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है कुछ लोगों को बचाने के लिए, तो जो भी यहाँ पे उस महिला के साथ जो गलत किया जा रहा है, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है, ये क्यों हो रहा है? प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कहाँ गलती कर रहा है? उन प्रशासन के लोगों को, एक व्यक्ति को पकड़ा गया है लेकिन बाकी को जो क्यों बच गए हैं? प्रशासन के खिलाफ भी कुछ लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, मेरी यही मांग है। बिल्कुल, प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमराज नहीं होते हैं वहां पर, ऑन कॉल रूम जैसे इन्होंने कहा वो नहीं होते हैं। ऑन कॉल रूम होते हैं तो मेल फीमेल्स के साथ में होते हैं, जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, एक फीमेल के लिए कंफर्टेबल भी नहीं होता है। और 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट इनह्यूमेन है, 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट, उसके बाद जब 2 बजे आराम करने जाएं तो बेसिक फैसिलिटी ना होना, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय चीज़ है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, एक लाजो पिक्चर अगर हम देखें, रेसिडेंट डॉक्टर्स आए दिन प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, ये बेसिक फैसिलिटी की वजह से ही ये इंसिडेंट हुआ है। हम बात कर रहे हैं बहुत कम डॉक्टर्स का इस पूरे देश में होना। एज सिटीजन्स मैं अपने लिए बेटर फैसिलिटीज़ चाहती हूँ, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसों से, आप सबके टैक्स के पैसों से हम बेटर सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्यों फिर भी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता? एक इंसिडेंट, एक लड़की को मरना पड़ता है रेप होने के बाद, और एक लड़की, पहले तो रेप होता है उसका, फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन भी किया जाता है, तो ये किस तरह का, समझ नहीं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम छत्तीसगढ़ के जितने भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वी आर स्टैंडिंग इन फुल सॉलिडरिटी विद रेसिडेंट्स ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब आपके सवाल पे आता हूँ, जैसा कि आपने बहुत सही बात कहा है कि जो जीडीपी का बहुत ही महीन सा हिस्सा हमारे हेल्थ फैसिलिटी को, हेल्थ स्ट्रक्चर्स को, और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको दिया जाता है। और जैसा कि आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है कि ये मुद्दा सिर्फ हम मेडिकोज का नहीं है, ये मुद्दा सारे आम जनता का है, क्योंकि ये जो जितने भी स्टेट फंडेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, ये आम आदमी के टैक्स के मनी से ही चलते हैं। अब यदि उस टैक्स मनी का सही से यूज़ नहीं किया जाएगा, अगर यहाँ आने वाले मरीजों का अच्छे से इलाज नहीं किया जाएगा, ये मेडिकल कॉलेज हमारे एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए बना है, अगर हमें अच्छा ट्रेनिंग, अगर हमें अच्छे वर्क प्लेस में अच्छा सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, और फिर हम इसके वजह से कल को इंडिया छोड़ के बाहर जाएंगे, देन ब्रेन ड्रेन होगा, देन हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? तो ये एक लार्जर पिक्चर है, कहीं ना कहीं स्टेट का ये बहुत बड़ा फेलियर है, स्टेट को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और बहुत जल्दी एक अच्छा कदम उठाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, आप थोड़ा सा आगे हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे एज अ वुमन, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको डर लगा जब ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट किया गया, क्योंकि डॉक्टर कम्युनिटी के साथ हुआ, आपके फर्स्ट इमोशंस क्या थे जब आपने ऐसा सुना? क्या इस हॉस्पिटल में जहाँ आप काम करें करेंटली, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वहाँ पर ऑन कॉल रूम है जहाँ पर आप जाके सेफली आराम कर सकते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर? मैं जब घर से ड्यूटी करने आती हूँ तो समटाइम्स माई मदर कॉल्स मी एंड शी आस्क्स मी, हैव यू सेफली रीच्ड योर वर्क प्लेस? एंड आई अश्योर हर कि हाँ मम्मी, मैं पहुँच गई हूँ एंड आई एम देयर नाउ। बट आफ्टर दिस इंसिडेंट इट शेक्स द वेरी कोर ऑफ यू, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग आर यू इवन सेफ एट योर वर्क प्लेस? हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे गार्ड्स और सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, बट रात में वो भी सो जाते हैं और हम ही लोग कॉरिडोर में घूमते रहते हैं। एंड कॉरिडोर में प्रॉपर लाइटिंग होती है, कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमराज? हाँ, सीसीटीवी कैमराज है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमराज का कवरेज क्या है? एक्चुअली कोई मॉनिटर कर भी रहा है? इफ़ आई एम डिस्ट्रेस समवेयर, क्या कोई मुझे हेल्प करने आएगा भी? क्योंकि पूरे आइसोलेटेड कॉरिडोर्स रहते हैं, जहाँ से हम चल के एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाते हैं, एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू जाते हैं, तो देर आर बेसिक सिक्योरिटी क्वेश्चंस दैट आर देयर, जो हमारे लोकल अथॉरिटीज एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू वर्क ऑन फॉर बेटर फैसिलिटीज फॉर अस टू एग्जिस्ट सेफली इन अ वर्क प्लेस। एंड दिस इज नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स, एवरीवेयर अक्रॉस, अगर नाइट ड्यूटीज हो रही हैं जहाँ पे लोग तब कम होते हैं एंड देर आर पीपल लर्किंग फॉर सच अपॉर्चुनिटीज, देन इट नीड्स टू बी अ लार्जर क्वेश्चन इन वर्क प्लेसेज एवरीवेयर इन इंडिया टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज सो दैट वी कैन वर्क इन सेफ्टी। करेक्ट। पेरेंट्स, अब ऐसे डॉक्टर्स के पेरेंट्स पर क्या गुजरेगी जब वो अपने बेटी से वापस फ़ोन करके पूछ रहे होंगे कि सेफली पहुंच गए कि नहीं? मैं एक रिपोर्टर हूं, लेकिन फिर भी मेरे मॉम डैड का रोज़ 5 बार फ़ोन आता है टू इंश्योर कि मैं सेफली पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंची कि नहीं। ये हाल हमारे देश का है, ये हाल हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट का हो चुका है, क्योंकि देश किसी के लिए सेफ नहीं है, डॉक्टर्स के लिए, किसी के लिए भी सेफ नहीं है, और इसलिए गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाते हुए डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं। एक फ्लैश मॉब भी परफॉर्म किया गया था लोगों को ज़रा अपने स्लम्बर से उठाने के लिए, अपनी नींद से उठाने के लिए, लेकिन ये बड़ा कॉल गवर्नमेंट और सिस्टम को उठाने के लिए है कि कब तक ये प्रोटेस्ट के जरिए ही सिस्टम सुधारने का मुहिम शुरू किया जाएगा, कब तक किसी को मरना होगा, किसी को रेप होना होगा, किसी निर्भया को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब तब हम ये आवाज उठाएंगे?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम सब मिलकर यहाँ से उठा रहे हैं, और गवर्नमेंट को अब चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, अब एक्शन मोड पे आना चाहिए। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ छत्तीसगढ़ से आज तक।